बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं राखी मिश्रा। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे सिंपल से वास्तु टिप्स के बारे में जो हर कोई अपना सकता है, जिसके घर में वास्तु दोष है या नहीं है। कई बार हमारी कुछ चीज़ों की वजह से, कुछ कामों की वजह से हम अननेसेसरी अपने घर में वास्तु दोष क्रिएट कर लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हमने अपने घर में एक नेगेटिव एनर्जी का माहौल बना दिया है, क्रिएट कर दिया है। जाने अनजाने ही होती हैं और कई बार कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे सामने हो रही होती हैं, पर कुछ तो हमें इसके बारे में पता नहीं होता कि ये चीज़ें जो हैं वास्तु दोष हैं या हमें किसी तरह का नुकसान पहुँचा रही हैं। और कई बार हम जानते बूझते भी उनको अवॉइड कर देते हैं कि चलिए छोड़ो, जाने दो, कोई बात नहीं, देख लेंगे, कुछ दिन बाद कर देंगे। पर बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो आपको कई तरह के फाइनेंशियल एंड हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट करती हैं। अब देखिए, फाइनेंस और हेल्थ दोनों ही ऐसी चीज़ें हैं जो हर कोई चाहता है कि आपका स्वास्थ्य भी अच्छा हो और आपका मन भी अच्छा हो और आपके फाइनेंसेस भी अच्छे हों। क्योंकि अगर आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, तभी तो घर से बाहर जाकर के आप काम करेंगे, धन अर्जित करेंगे, कमाएंगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी। तो आइए आज जानते हैं ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें जो हमारे सामने रहती भी हैं और हम अवॉइड कर देते हैं या फिर हम कई बार उन्हें होने देते हैं जाने अनजाने ही सही। इसमें सबसे पहली चीज़ जो मैं आप लोगों को बताने जाऊंगी जो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, वो ये कि अगर आपका डबल बेड, आपका बेड सिंगल या डबल, किसी भी तरह की आवाज़ करता है जब आप उस पर बैठते हैं या सोते हैं, अगर आवाज़ करता है तो ये मान लीजिए चर चर की जो आवाज़ आ रही है, तो घर के किसी न किसी सदस्य को हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, ख़ास तौर पर उन लोगों को जो उस बेड पर सोते हैं। तो अगर आपके बिस्तर से भी, आपके डबल बेड या बेड से भी किसी भी तरह की आवाज़ आती है, तो जितना जल्दी हो सके उसको आप रिपेयर करें, जिससे आप इस जो हेल्थ इश्यूज़ आपके लाइफ में आ सकते हैं उनको दूर कर सकें। दूसरी चीज़ की हम बात करते हैं, कई बार आपने सुना होगा कि जब आप दरवाज़ा खोलते हैं या बंद करते हैं तो आपके दरवाजे से चर चूँ ऐसी आवाज़ आती है। तो ये जो आवाज़ होती है, अगर वो क्या होता है, वो एक बाहर से अंदर का जो एंट्री है, मतलब दो जगह, एक बाहर और एक अंदर, उसकी एंट्री पॉइंट है। तो इस जगह पे अगर इस तरह की आवाज़, चर्चूँ ऐसी आवाज़ आती है, तो मींस राहु का एक्टिवेशन हो रहा है आपके घर में। और जहाँ राहु आ जाते हैं वहाँ पे एक मानसिक संतुलन तो लोगों का बिगड़ता ही है, अननेसेसरी का गुस्सा उनको आता है, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो है उनका जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है ना, वो अननेसेसरी के खर्चे कर देते हैं, उनको बाद में पछतावा होता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन फिर भी वो कई बार ऐसे खर्चे कर देते हैं जाने अनजाने ही सही, भावनाओं में बह करके, गुस्से में या किसी भी कारण से, लेकिन हो जाता है उनसे। तो अगर आप ऐसे अनजाने अनचाहे खर्चों से बचना चाहते हैं तो आपके दरवाज़ों से ये जो आवाज़ें आती हैं, आप तुरंत इनकी ऑयलिंग करके, इनके नट बोल्ट टाइट करके इनको ठीक कर दीजिए, जिससे आप अपने घर के अनजाने खर्चों से, अनचाहे खर्चों से बच सकें और आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि अगर आपके घर में, घर के अंदर, कई बार क्या होता है हम लोग कोई चीज़ टूट गई है तो रख लेते हैं कि जोड़ देंगे, चिपका देंगे, ठीक है, लेकिन जो ब्रोकन आइटम्स हैं ना, कई बार बहुत सुंदर सुंदर आर्टिफैक्ट्स होते हैं जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, थोड़ा सा हाथ टूट गया या कुछ पैर में आ गया, कुछ उसके कोई बॉडी पार्ट आपने कुछ रखा है, स्टैचू रखा है, तो ऐसी चीज़ों को ना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकाल देना चाहिए, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे प्लास्टिक हो, कांच हो या कुछ और चीज़ हो, जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं उन्हें आपको, और बच्चों के टॉयज़ खासतौर पर जो लोग कई बार अलमीराज के ऊपर स्टोर कर लेते हैं, वो तो आपको अगर ख़राब है खासतौर पर, अगर यूजेबल कंडीशन में है दैन इट इज़ फाइन, अगर लेकिन ख़राब है, यूज़ नहीं कर रहा है, बच्चा उनको नहीं खेल रहा है, तो ऐसी चीज़ों को तो आपको जल्द से जल्द निकाल देना चाहिए, क्योंकि इन दोनों ही चीज़ों से राहु और केतु का एक्टिवेशन घर में होता है और कोई भी नहीं चाहता, क्योंकि सबको डर लगता है राहु केतु से, क्योंकि उनके आने से लाइफ में क्या क्या चीज़ें बदलती हैं किसी को समझ में तो नहीं आता, लेकिन महसूस ज़रूर होता है कि हाँ, अब हमें फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं, हेल्थ इशूज़ हो रहे हैं, एक अनचाही सी परेशानी हमारे लाइफ में है। तो ये आपको चीज़ें ज़रूर से अपने घर से दूर करनी हैं। कई बार मैंने देखा है कि लोग अपने घर को, ड्राइंग रूम को तो नीट एंड क्लीन रखते हैं, लेकिन उनका बेड या फिर उनकी अलमीरा जो होती हैं वो ऐसे लगती हैं कि जैसे बस कोई सामान उन्होंने ला करके उसमें भर दिया है। आप अपनी अलमीराज को भी वेल ऑर्गेनाइज रखिए, डीक्लटर्ड रखिए, और क्लटर का जहाँ तक बात है तो वो तो आपको अपने पूरे ही घर को रखना है, चाहे वो आपके घर की शूरेक है या स्टोरेज हाउस है। कई बार हम कोई चीज़ ऐसे स्टोरेज कर लेते हैं कि हम इसका इस्तेमाल करेंगे,
लेकिन वो इस्तेमाल नहीं हो पाती और बस एक स्टोरेज के रूप में हमारे घर के किसी कोने में पड़ी रहती है। तो वो चीज़ें आपको अपने घर से जल्द से जल्द निकालनी है, जिससे आपके घर में जो ये वास्तु दोष बिना बात पे ही क्रिएट हो गया है वो दूर हो सके। अच्छा, एक जैसे हमने तो बात की अभी कि ये राहु केतु और ये नेगेटिविटी हमारे घर में है, इसका एक्टिवेशन है। अब हम कुछ बात कर लेते हैं पॉजिटिविटी की, कैसे पॉजिटिविटी हम ला सकते हैं। अगर ये सब चीज़ें हैं, ये सब करने के बाद, क्लैरिटी करने के बाद आपको क्या करना है, आप घर के अंदर घी, गूगल और लोबान का धुआं ज़रूर करें। अगर घी, गूगल, लोबान आप अपने घर में नहीं ला पा रहे हैं, समहाउ नहीं मिल रहा है मार्केट में आपको, तो कपूर इजीली अवेलेबल होता है, आप कपूर को भी जला करके पूरे घर में दिखा सकते हैं दोस्तों, और उससे आपको बहुत ही पॉजिटिविटी फील होगी। क्योंकि जो कैम्फर होता है, जो कपूर होता है, जब हम उसको बर्न करते हैं तो एक कालक तो निकलती है बट उसके साथ एक ऑक्सीजन का भी संचार होता है आपके घर में, तो आप उससे बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। और उसकी जो खुशबू होती है वो जो हमारे राहु है ना, उनको शांत करने के लिए काफ़ी हद तक काम आता है। इसके अलावा जो आपको क्या करना है, अपने घर के अंदर हम लोग देखते हैं डेकोरेशन में लोग बहुत से ड्राई फ्लावर्स रखते हैं, बट कोई भी ऐसी चीज़ हमें हमारे घर में नहीं रखनी चाहिए जिसके अंदर कोई एनर्जी हम महसूस ना कर पाएँ। अब आप अगर फ्रेश फ्लावर्स को देखिए और आप ड्राई फ्लावर्स को देखिए, तो आई एम श्योर कि जो फ्रेश फ्लावर्स हैं उनको देख करके आपको जो पॉजिटिविटी, जो यू नो, एक रिलैक्सेशन मिलता होगा, वो ड्राई फ्लावर्स को देख के नहीं मिलता होगा। तो हमें हमारे घर में ऐसी ही एनर्जी की ज़रूरत है, ऐसी ही पॉजिटिव एनर्जी की ज़रूरत है। इसलिए आप कोशिश करिए कि अगर आप अपने घर में फ्लावर प्लेस करना चाहते हैं तो फ्रेश फ्लावर प्लेस करिए। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं, आप अपने घर में मोर पंख लगा सकते हैं। मोर पंख कृष्ण जी को बहुत प्रिय था और उसके साथ साथ ये कार्तिकेय का जी का भी वाहन था, तो ये स्ट्रांगनेस को भी डिनोट करता है, लव एंड अफेक्शन को भी डिनोट करता है। तो आप मोर पंख को आसानी से अपने घर में लगा सकते हैं। बहुत छोटे छोटे से वास्तु टिप्स हैं लेकिन हर घर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कई तरह के वास्तु दोषों को इन छोटी छोटी चीज़ों से आप दूर कर सकते हैं।